एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आपका स्वागत है नेहाज किचन पे। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए 3 आलू लिया है। नॉर्मल आलू है जो घर पे हम यूज करते हैं सब्जी के लिए। 3 आलू लिया है, स्वाद के अनुसार नमक लिया है 1/4 टीस्पून। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है 1 चम्मच, कॉर्नफ्लोर लिया है ताकि हमारा जो फ्रेंच फ्राइज वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमारा जो आलू है उसे पील कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पीलर लिया है, उसे हम इसे पील करेंगे। इसके जितने भी छिलके हैं वो निकाल लेंगे हम यहाँ पे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप बहुत ही आराम से घर पे तुरंत बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें आलू को पील कर लेना है, इसके जो छिलके हैं वो निकाल लेना है। इस तरह से मैंने इसके जो छिलके हैं वो निकाल लिए हैं। ऐसे हम बाकी के भी छिलके निकाल लेंगे, बाकी के आलू के भी छिलके निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे आलू को छील लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 आलू को छील लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। तो चलिए इसे कट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक आलू लूंगी। यहाँ पे मैं आलू को चौकोन टुकड़ों पे कट नहीं करूंगी, हम आलू का पूरा पोर्शन यहाँ पे यूज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे या सब्जी पे यूज नहीं करेंगे। पूरा हमें यूज पोर्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमें काटना है, इस तरह से आप लंबा लंबा काटे। मार्केट में कटर भी अवेलेबल है, फ्रेंच फ्राइज कटर। अगर आप हाथों से नहीं काट सकते हैं तो आप वो भी ले आए, पर अभी लॉकडाउन की वजह से आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह से नाइफ से काटें। नाइफ से काटने से और बनाने से जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए अब हमें इसे लंबा लंबा शेप देना है। इस तरह से हम इसे कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें लंबा लंबा काट लेना है, देख सकते हैं आप। और इसे हम ठंडा पानी में डाल देंगे फटाफट से। बाकी को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है और इसे पानी में डाल देंगे, देख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे आलू को लंबा लंबा काट लेंगे। इस तरह से हमें काट लेना है, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक आलू को काट के दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हमें काटना है लंबा लंबा। बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, देख सकते हैं आप। इसी तरह से मार्केट के जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं आलू का, इसी तरह से लंबे लंबे होते हैं। तो हमें भी ऐसे ही कट करना है इसे। इस तरह से कट करके हम इसे पानी में डाल देंगे। इस तरह से हम बाकी आलू को भी कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से आलू को काट लिया है एकदम लंबा लंबा। अब हम इसे 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लेंगे ताकि जो इसका स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए। आलू में बहुत सारा स्टार्च होता है तो इसे हम 2 से 3 बार रनिंग वाटर में धो लेते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं रनिंग वाटर में। आलू को मैंने यहाँ पे 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पानी में छोड़ देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए। तो इसे हम 10 से 15 मिनट तक इस पानी में छोड़ देंगे। ये नॉर्मल वाटर है, इस पर हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो आलू कट करके रखे हैं पानी में उसे हम गर्म पानी में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से आप आलू को निकालें इस ठंडे पानी से और गर्म पानी के बॉल पर डाल दें। इस तरह से हम सारे आलू को गर्म पानी के बॉल पर डाल देंगे। देखिए इस तरह से डालना। हम इसे गर्म पानी में 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसे हम चलिए 10 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं गर्म पानी में। यहाँ पे टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, आलू को निकाल लेंगे। इस तरह से हम आलू को निकाल के एक सूती कपड़ा में डाल देंगे। हमें इसे पूरा ड्राई करना है। इस तरह से मैंने एक सूती कपड़ा को फैला दिया है, उसमें हम आलू को सुखा लेंगे। पहले हम आलू को सारा आलू को निकालेंगे पानी से। इस तरह से निकाल लें आलू को। देखिए मैंने यहाँ पे आलू को एक सूती कपड़ा पे निकाल लिया। आप चाहे तो किचन टॉवल पे भी निकाल सकते हैं
और इसे हम अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसमें कोई मॉइस्चर कोई पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम इसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इसका सारा जो पानी है वो हमें यहाँ पे सुखा लेना है। अच्छे से इसे आप पोंछ लें, इसे सुखा लें। यहाँ पे देखिए हमारा जो आलू है अच्छे से ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से क्या होगा, हमारे जो फ्रेंच फ्राइज हैं बहुत ही क्रिस्पी और एकदम करारे बनेंगे इस तरह से, बिल्कुल मार्केट के जैसे। इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। इस तरह से हम कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू में, देख सकते हैं, ताकि सभी पे बराबर से कॉर्नफ्लोर लग जाए। अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। अब हम इसे एक बॉल पे ट्रांसफर करेंगे, ऐसे करके बॉल पे डाल दें आप। सारे आलू को हम इस बॉल पे डाल देंगे, डाल दिया। अब हम इसका लीड क्लोज कर देंगे। इसका लीड क्लोज करके इसे हम आधे घंटे तक के लिए फ्रिज में स्टोर करेंगे। इससे काफी क्रिस्पी बनेंगे, तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। पे आधा घंटा हो गया है, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन पे तेल को हल्का गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे इसे हमें गरम गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। ये मीडियम गरम हो चुका है, अब हम इसमें आलू के पीसेस ऐड करेंगे। और इस तरह से हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तरह से इसे चलाते रहे, ज्यादा नहीं चलाना है तो आलू टूट जाएंगे। हल्का हल्का सा इसे स्टर करें और मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसे हमें क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। इसे हमें हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं कितना अच्छा ये फ्राई हो रहा है यहाँ पे। जब ये हल्का सुनहरा हो जाए तो फिर इसे हम तेल से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम से सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसे गैस का फ्लेम एकदम लो करेंगे और इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी हो गई है, फ्राई हो गई है। इस तरह से हम सारे हमारे जो फ्रेंच फ्राइज है उसे प्लेट पे निकाल लेंगे। एकदम बिल्कुल मार्केट के जैसे बनी है ये, एकदम क्रिस्पी है, देख सकते हैं आप इसका लुक। और इसी तरह से हम बाकी के जितने भी फ्रेंच फ्राइज मतलब आलू है हमारा, उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने सारे फ्रेंच फ्राई को फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया, चाट मसाला थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया, चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो फ्रेंच फ्राई है रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।